नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। झांझरपुर में अमित शाह रैली को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि कुछ दिन पहले लालू नीतीश जी की सरकार ने फतवा जारी किया कि बिहार में रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी, जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी और बिहार की जनता ने जो आक्रोश दिखाया उससे उनकी शान को काम आप लोग नहीं कर सकते। अमित शाह ने कहा कि बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत होगी। कुछ दिन पहले लालू नीतीश की सरकार ने एक फतवा जारी किया कि बिहार में रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी, जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी और बिहार की जनता ने जो आक्रोश दिखाया उससे इनकी शान ठिकाने आने का काम आप लोगों ने किया है। मैं बड़े हृदय से आपका सम्मान करने का काम करता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, 2024 में चुनाव आने वाला है। मैं बिहार की जनता का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2014 में 40% वोट और 31 सीटों के साथ आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, इसलिए बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी यहां लालू नीतीश जी की सरकार चल रही, मैं बारीकी से बिहार के अखबार पढ़ रहा हूं, बारीकी से पढ़ रहा हूं। हर रोज बिहार के अंदर गोलीबारी, लूट खसोट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, ये जो स्वार्थी गठबंधन बना है वो बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। आप मुझे बताओ झंझारपुर वालों, आपको फिर से जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? चित्तौड़गढ़ जिला राजकीय श्री सावलिया जी अस्पताल में जिम्मेदार लोगों की लापरवाही के कारण मरीजों और उनके परिजनों में संक्रमण का खतरे में रहना पड़ रहा है। दरअसल अस्पताल परिसर में मेडिकल वेस्ट कचरा को अस्पताल प्रशासन द्वारा जलाया जा रहा है, जिससे निकल रहे धुएं से मरीजों और उनके साथ आए परिजनों को संक्रमण फैल रहा है, तमाम तरह की परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें, जिला अस्पताल की मॉर्चरी के पास कचरा संग्रहण के लिए एक स्थान सुनिश्चित किया गया है, मगर इन कमरों का किसी भी तरह का उपयोग नहीं किया जा रहा। वहीं इस मामले में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि समय समय पर हमारे अधिकारी इन क्षेत्रों का निरीक्षण करते हैं, लेकिन अभी तक जिला चिकित्सालय में इस तरह से खुले में मेडिकल वेस्ट को जलाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही कहा कि इसकी जानकारी मिली है तो इस पर अधिकारी को भेजकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इंडिया गठबंधन की भोपाल रैली कैंसिल होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता में आक्रोश है, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सनातन का अपमान किया है, ये सनातन का अपमान एमपी की जनता सहन नहीं करेगी, हमारी आस्था पर चोट किया है, ये हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जनता का आक्रोश है इसलिए रैली कैंसिल कर जनता छोड़ेगी नहीं, इनकी लीडरशिप में दम नहीं, भाजपा में जहां भी चुनाव होते हैं सभी काम में लग जाते हैं, कांग्रेस में लठमलठ मचा हुआ है, आपस में लड़ रहे हैं, किसको फोटो लगे इसका अभी तक इन लोगों को पता नहीं है।
बीकानेर भारतीय जनता पार्टी के प्रवासी विधायक योजना के अंतर्गत कोलायत विधानसभा क्षेत्र में उत्तराखंड के लैंसटाउन के विधायक महंत दिलीप रावत ने एक सप्ताह दौरा करने के बाद आज पत्रकारों को बताया कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र में अराजकता का राज है। ऊर्जा जी आपको बता दें, मंत्री के शिल्प लहर जगह जगह अवैध रूप से जिप्सम खोद रहे हैं, जिसके चलते सीमावर्ती जिला पूरी तरह से असुरक्षित है। ऊर्जा मंत्री के इलाके सहित पूरे प्रदेश बिजली की कटौती की वजह से आम जनता परेशान हो रही है, किसान परेशानी का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार के खिलाफ हर वर्ग को गुस्सा है, आने वाले चुनाव में कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंके देते हैं, भाजपा शासन को लाने के लिए जनता तैयार है। तो आपको बता दें, कांग्रेस सरकार के खिलाफ हर वर्ग को गुस्सा है, बीजेपी का कहना है ऊर्जा मंत्री का, और लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान आम जनता परेशान है, उनका कहना है कि ठीक से ना बिजली आती है, ना इलाके के लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रशासन की तरफ से सरकार की तरफ से मिल पा रही हैं। उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय की तरफ से स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया, जहां शनिवार को शुभारंभ के मौके पर उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय के महाप्रबंधक सतीश कुमार ने सभी प्रमुख विभाग अध्यक्षों, अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। आपको बता दें, 16 सितंबर से शुरू हुआ यह स्वच्छता पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान हर रोज अलग अलग थीम के साथ रेलवे स्टेशन, ट्रेन और रेल पथ समेत रेल कार्यालयों और आवासीय परिसरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, साथ ही इस दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। बालामू में रेलवे स्टेशन जंग का मैदान बन गया है। आपको बता दें, ट्रेन के अंदर मौजूद वेंडरों और प्लेटफॉर्म के वेंडर आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि खाद्य वस्तुओं को बेचने से संबंधित विवाद में दोनों पक्ष भिड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ से जंग का लाठी से चले। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एक जीआरपी का जवान, लेकिन वो भी केवल वीडियो बनाता हुआ नजर आया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह दोनों पक्षों को अलग कराया है। रायसेन में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं बमोरी देवनगर मार्ग पर पुल पर पानी होने के बावजूद एक बाइक सवार पुल पर पार करने की वजह कर रहा था, तभी बाइक सवार पानी के बहाव में बहने लगा। आपको बता दें, मौजूद व्यक्ति ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए बाइक चालक को सकुशल बचा लिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ के सिविल कोर्ट के वकीलों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, वकीलों ने सिविल कोर्ट से स्वास्थ्य भवन चौराहे तक पैदल मार्च निकाला, तो वहीं वकीलों ने उत्तर प्रदेश पुलिस का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया है। उसी दौरान वकीलों ने सीएम योगी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। घोसी उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी ने तैयार किया नया प्लान। बाकायदा ओबीसी वोटर को साधने के लिए बीजेपी ने अपना माइक्रो प्लान तैयार किया है। लोकसभा क्षेत्र से लेकर मंडल स्तर तक अलग अलग टीमें बनाई जा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तो अटकलों और कयासों के बीच बीजेपी ने 2024 चुनाव में सभी 80 सीटें जीतने के लिए नए सिरे से रणनीति का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। बकायदा 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा बाइक रैली निकालने की तैयारी कर चुकी है। साफ है कि बीजेपी की कोशिश ओबीसी वोटरों को साधने की है। बीजेपी इसके लिए ओबीसी महाकुंभ के आयोजन से लेकर बाइक रैली और सोशल मीडिया पर अभियान शुरू करने की तैयारी कर चुकी है। रणनीति बनाई क्या है बीजेपी ने, पहले वो देखिए।
प्रयागराज से ओबीसी महाकुंभ के आगाज की बात की जा रही है। पिछड़ों को जोड़ने के लिए ओबीसी महाकुंभ की शुरुआत के तहत नवंबर में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का कार्यक्रम भी करने वाली है। बकायदा पीएम के जन्मदिन को खास बनाने के लिए 17 सितंबर को हजरे में बाइक रैली होगी। फिर इसके बाद 24 सितंबर को सोशल मीडिया कार्यशाला का आयोजन होगा। सोशल मीडिया कार्यशाला के लिए 20,000 वॉलंटियर तैयार किए जा रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के लोगों तक पीएम का संदेश पहुंचाने का इसके जरिए प्रयास होगा। इतना ही नहीं, इस खास कार्यक्रम में अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। ओबीसी की प्रमुख करीब 79 जातियों पर फोकस किया जा रहा है। जिला मंडल स्तर पर 13-13 लोगों की टीम बनाने का भी जिक्र है, जिसके जरिए 2,00,000 से ज्यादा ओबीसी कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे। स्वाभाविक है, जिस तरह से आम पार्टियां या दूसरी पार्टियां तैयारी करती है अपने चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने चुनाव की तैयारी कर रही है और चुनाव की तैयारी में उस बात को देख रही है कि हमें कहां किसको कैसे अपना प्रतिनिधि बनाना है, कैसे जनप्रतिनिधि बनाना है। और हो सकता है उसमें इस बार के चुनाव में 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को टिकट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा समाज में जो जिसकी आबादी है उसको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर आदमी चुनाव लड़ता है चुनाव जीतने के लिए। और जहाँ जिसमें इतनी जातीयता हो, इतना क्षेत्रीयता हो, इतना धर्म हो और ये तमाम विविधताओं से जो देश पूरा घिरा हुआ हो, उसमें बिना रणनीति बनाए हुए और बिना एक मुश्त सोच किए हुए कि हम किस तरह से 2024 को जीते, ये एक लक्ष्य होता है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना ही प्रयास कर ले ओबीसी वर्ग को जोड़ने का, लेकिन वो हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ ओबीसी वर्ग आ चुका है। और ये चुनाव में घोसी की जनता ने भी तय करने का काम करा, क्योंकि इनकी लड़ाई को कौन लड़ रहा है? इनकी लड़ाई को लड़ने का काम केवल समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का फार्मूला दिया है, तो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाज एकजुट होकर माननीय अखिलेश यादव जी के साथ आ गया है। और इस तरह के आयोजनों से नहीं होता, वो आयोजन आपके संगठन में और सरकार में आपके प्रतिनिधित्व पर दिखाई देना चाहते हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इन समाज को ठगने का काम करा है। वहीं बीजेपी ने संगठन में भी बड़े स्तर पर फिर से बदलाव कर दिए हैं। ये सभी 24 के चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ओबीसी वर्ग के वोटरों तक सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए बीजेपी सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को भी तैयार कर रही है। यानी साफ है कि बीजेपी घोसी के घाव के जख्म को वक्त रहते भर लेना चाहती है, ताकि जो गलती जो चूक घोसी उपचुनाव में हुई वो 24 के चुनाव में ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। यूपी के गाजियाबाद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक जिम में ट्रेडमिल पर चलते समय युवक को हार्ट अटैक आ गया, इससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहां लगे ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल खोड़ा थाना क्षेत्र के सरस्वती विहार इलाके के वार्ड नंबर 26 में रहने वाले एक युवक सिद्धार्थ जिम में गया था। सुबह करीब 12 बजे जिम में ट्रेडमिल पर चलते चलते उसको हार्ट अटैक आ गया। इससे पहले वहां मौजूद युवक कुछ समझ पाते वो गिर गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अभी तक इस मामले में पुलिस से कोई शिकायत नहीं की गई है। झारखंड में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी और इंडिया गठबंधन में उदयनिधि स्टालिन के दिए गए बयान को लेकर सियासत जोर पर है। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा कि इंडिया गठबंधन तुष्टिकरण की राजनीति करती है, सनातन धर्म पर आग लगाई जा रही है, हमारे महंत साधुओं का नाम निशान मिटाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन के बेटे उदय निधि स्टालिन के सनातन पर दिए बयान की तपेश अब झारखंड की राजनीति में महसूस हो रही है। बीजेपी इस विवादित बयान को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर सियासी तीर छोड़ रही है। भाजपा वार पर वार कर रहे हैं ये कहते हुए कि सनातन के अपमान के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के नेता इस बयान की भर्त्सना क्यों नहीं करते। आरोप सियासी तीर की तरह चुभने वाले थे। ऐसे में जवाब देने के लिए जेएमएम को भी सियासी रण में उतरना ही पड़ा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ही तंज कसते हुए भाजपा को ही ये कहते हुए कोसना शुरू कर चुके हैं कि बीजेपी ही धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की सियासत करती है। मगर डुमरी उपचुनाव में जनता ने बीजेपी को संदेश दे दिया है कि अब देश में इस राजनीति की कोई जगह नहीं, यानी एक तरफ से वार होता है और दूसरी तरफ से पलटवार भी। दो चीजें आती है, एक है मैं आज भी कह रहा हूँ कि राजनीति में भी राजनीति का एक धर्म होता है। धर्म की राजनीति ना हो लेकिन राजनीतिक जो धर्म होता वो निभाना चाहिए। और इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रहे हैं हमारे ये धार्मिक न्यास बोर्ड पे, तो क्या आम लोग, पूरे देश तो प्रजातांत्रिक देश है, हर व्यक्ति, और मैं समझता हूँ हर व्यक्ति वोट कास्ट करते हैं, वो किसी न किसी विचारधारा से जुड़ते हैं, चाहे किसी भी, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जेएमएम हो या कोई भी अन्य पार्टी है, लेफ्ट की पार्टी हो, हर व्यक्ति वोट कास्ट करता है, वो किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ रहता है। तो मैं समझता हूँ धार्मिक न्यास बोर्ड में अगर लोगों की नियुक्ति हो रही है, धार्मिक लोगों की नियुक्ति हो रही है, तो उस पर आरोप कैसे वो लगा रहे हैं? कुल मिला के ऐसी बात है कि बीजेपी के पास में आज के समय पे कोई मुद्दा नहीं, इनके द्वारा लगातार जो है बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि इंडिया गठबंधन के द्वारा सनातन धर्म को खत्म करने का बात कही जा रही है। मान भी लेते हैं कि किसी के बोलने से अगर कोई बोल दिया है तो सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है कि सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, राज्य में और देश में जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की काम नहीं हो पा रही है, कोई बुनियादी चीज की बहुत अभाव है, जिसका ध्यान भटकाने के लिए बार बार इन लोग सनातन सनातन का जो माला जप कर लोगों का दिमाग और लोगों का जो सोच है उसमें जहर घोलने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जो एनडीए गठबंधन के द्वारा जो अफवाह फैलाई जा रही है, मैं तो कहूंगा कि इनके जो केंद्रीय सड़क परिवहन और जहाजरानी जो मंत्री है नितिन गडकरी जी, उनका एक इंटरव्यू टीवी पे देखना चाहिए था, जिन पे उनसे पत्रकार के द्वारा पूछा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की मंदिर धर्म आस्था के ऊपर नहीं, तो उन्होंने कहा कि धर्म अलग की बात है और इंफ्रास्ट्रक्चर देश की बुनियाद को मजबूत बनाती है, तो इनको उनके बात का अनुसरण करना चाहिए। और इनके जो व्हाट्सएप डिग्री जो लेके इनके प्रवक्ता लोग बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि इन लोग एक भी सनातन धर्म को मानने वाला लोग है। इंडिया गठबंधन के इन साथियों को आप कहां खड़े मित्रों? आज ये वही सरकार है जिन्होंने गौ तस्करों को छूट दे दी, ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पुलिस को मना किया कि जो गाय जाती है बांग्लादेश, जो गाय को काटा जाता है उस पर कोई पुलिस रोके नहीं, ये वही सरकार है। तो उदय निधि के दिए बयान से खड़ा हुआ तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। साफ है मसला सनातन के अपमान से जुड़ा है और बीजेपी झारखंड की सियासी फिजाओं में ये संकेत देने की कोशिश कर रही है कि वो राज्य की राजनीति में भी इस मुद्दे के सहारे इंडिया गठबंधन को घेरने की भरसक कोशिश करेगी। यानी एक संजोग भी है और एक प्रयोग भी। मगर सवाल ये कि बीजेपी का ये प्रयोग क्या झारखंड की सियासत में सफल हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। उत्तराखंड में धामी सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहती है, लेकिन सरकार की नीतियों में कमियां निकाल रहे अधिकारी घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं, जिससे विकास के कार्य तो प्रभावित हो रहे हैं लेकिन राजस्व को भी बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। और भी ये हम नहीं बल्कि सरकार की वित्तीय वर्ष 2021 और 22 की वार्षिक लेखा रिपोर्ट के बाद अब अधिकारी की सुस्ती के चलते केंद्र से मिलने वाली धनराशि भी नहीं मिल पा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। अधिकारियों की सुस्ती उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर से नया सियासी फसना बन रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके चलते केंद्र से
मिलने वाली सहयोग राशि तक पर ब्रेक लग रहा है। पूरा माजरा क्या है वो आगे आपको हम बताएंगे, मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि वित्तीय वर्ष 2012 और 22 के दौरान राज्य के तमाम विभागों में 18,341 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ियों की सुर्खियों तो आपने पढ़ी ही होंगी, मगर अब अधिकारियों की कारगुजारी से सरकार को 2,297 करोड़ के राजस्व का सीधा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही केंद्र से जो धनराशि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्य को मिली थी, उस मद में अब दूसरी किस्त से राज्य को हाथ धोना पड़ा है, क्योंकि अधिकारी केंद्र को उपयोगिता सर्टिफिकेट नहीं दे पाए हैं, जिसके चलते केंद्र ने दूसरी किस्त देने से मना कर दिया और अधिकारियों की इस सुस्ती के चलते 300 करोड़ का बजट अधर में लटक गया। आपको बता दें, विधानसभा पटल पर रखी गई वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक लेखा रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है कि ऊर्जा निगम में सबसे ज्यादा 16,129 करोड़ 30 लाख की अनियमितताएं पकड़ी गई थी। अब उत्तराखंड में हुए अधिकारियों के इन कारनामों को लेकर विपक्ष में बैठी कांग्रेस आक्रामक दिख रही है, जबकि भाजपा दावा कर रही कि राज्य की धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलकर कई भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को जेल की हवा खिला चुकी है और आगे भी भ्रष्टाचार और भ्रष्टारी दोनों पर वार होगा। भाजपा कहती है कि हमारे कार्यकाल में तो भ्रष्टाचार होगा ही नहीं, तो लोकायुक्त चाहिए क्यों। अब आप देखिए, आज उत्तराखंड आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। हजारों की संख्या में पेड़ काट दिए जा रहे हैं चक्राता में, पुरोला में, लेकिन कोई उफ तक करने वाला नहीं है। यहाँ के पर्यावरण से खिलवाड़ हो रहा है, कोई कुछ कहने वाला नहीं। खनन माफियाओं को, शराब माफियाओं को, भू माफियाओं को खुली छूट मिली हुई है और जमकर उगाही हो रही है। कोई ऐसा ऊपर से लेकर तक नीचे तक नेता अधिकारी कर्मचारी नहीं है जो कि पैसों में अपनी सात पुश्तों का इंतजाम ना कर रहा हो। तो उत्तराखंड तो ओपन फॉर ऑल हो गया, आइए लूटिए खसोटिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर एक जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से कोई भी जो मामला कभी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है उस पर आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है और इसी के भ्रष्टाचार को लेकर के कई लोग जेलों में भेजे गए हैं और इस प्रकार की जो आप बात करें विद्युत विभाग में लेकर के, इसमें भी कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है। सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है, आदरणीय मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी को बख्शने वाले नहीं है। उत्तराखंड में घोटालों का शोर मचना कोई नई बात नहीं, लेकिन जरूरी ये कि सत्तासीन सरकार जब जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है तो अधिकारियों को भी उसे पर अमल करना होगा ताकि राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना मिल सके और जनहित के काम हो सके। मगर क्या कुछ अधिकारियों की वजह से सरकार बदनाम हो रही है। देहरादून से अभय कैतुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।